नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल SPR नेटवर्क पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षाओं के बारे में। दोस्तों, लाखों विद्यार्थी काफ़ी लंबे समय से बात कर रहे हैं कि राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाएँ होगी या नहीं होगी, क्योंकि दोस्तों आपको बता दूं CBSE ने 10वीं बोर्ड परीक्षाओं को स्थगित कर दिया है और 12वीं बोर्ड परीक्षाओं पे 1 जून के बाद में निर्णय लेने की बातें सामने आ रही है। लेकिन यहाँ पे राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड RBSE की तरफ से ऐसा कोई बयान नहीं आया है जिसमें यह स्पष्ट हो सके कि परीक्षाएँ होंगी या नहीं होंगी। और इसी को लेकर शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा से 10th 12th बोर्ड परीक्षाओं को लेकर खास बातचीत। बोर्ड परीक्षाओं को सरकार कब तक निर्णय ले सकती है, यानी जब शिक्षा मंत्री से इस बारे में बात की गई तो उन्होंने अपने बयान में कहा है कि कोरोना के नए मरीज मिलना भले ही कम हो गए हो, लेकिन स्थिति अभी तक सामान्य नहीं है। स्थिति सामान्य होने के बाद ही परीक्षाओं को लेकर कोई निर्णय लिया जाएगा। 1 जून के बाद इस मामले में रिव्यू करेंगे। सरकार की पहली प्राथमिकता विद्यार्थी, शिक्षक और अभिभावक की सुरक्षा है। यानी दोस्तों, शिक्षा मंत्री का यह बयान उन सभी भ्रामक खबरों पर रोक लगाता है, पाबंदी लगाता है, जिनके अंदर यह दावा किया गया है कि 15 जून से 18 जून से 10वीं 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं होगी। और इसी के ऊपर अभी थोड़े दिन पहले जारोली जी जो कि बोर्ड अध्यक्ष हैं, उनका भी बयान आया था कि विद्यार्थी भ्रामक खबरों से दूर रहे। और पत्रिका के एक सवाल की बोर्ड परीक्षाओं के आयोजन को लेकर सरकार की अब तक क्या रणनीति रही है, इस सवाल के जवाब में शिक्षा मंत्री परीक्षा करवाई थी, इस बार और सेंटर बढ़ाकर परीक्षा कराने की रणनीति है। यानी दोस्तों, अभी तक यह बात स्पष्ट नहीं हो पाई है कि यह बोर्ड परीक्षाएं कब होगी। लाखों विद्यार्थी अधरजूल में हैं कि यह परीक्षाएं होगी या रद्द की जाएगी। तो दोस्तों, आपसे मेरी यही अपील है कि आप अपनी पढ़ाई लगातार जारी रखें। अगर परीक्षाएँ होती है तो आपकी पढ़ाई आपके काम आएगी, और अगर परीक्षाएँ नहीं होती है तो आपको आने वाली क्लास में इस चीज़ का भरपूर लाभ मिलेगा। लेकिन अगर आप पढ़ाई बंद कर देते हो तो इसका कहीं ना कहीं ले दे के आगे पाया नुकसान आपको ही होने वाला है। धन्यवाद दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, जिससे ऐसी हर खबर सबसे पहले आप तक पहुँच सके। धन्यवाद।